वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग हाई स्कूल मॉडल पेपर 2021-22 मैथमेटिक्स क्लास 10 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड है, जिसमें आपको पहला पार्ट क्या कह रहा है, विच वन इज पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। तो आपको 4 पेयर्स दिए गए हैं, ठीक है, और उनमें से आपको को प्राइम नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको को प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, है ना। अभी को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, देखिए प्राइम नंबर्स तो आपको पता है ना। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, है ना। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि दो नंबर में आपको को प्राइम निकालने हैं, है ना। तो उसमें क्या होगा, उसमें को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है। अब आपको पता ही है कि प्राइम नंबर में 1 और वो नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होता है ना। तो अगर दो में कॉमन निकाल लें तो 1 ही ऐसा फैक्टर है जो कॉमन हो सकता है ना प्राइम के लिए। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, है ना। तो अब चेक कर लीजिए। तो देखिए आपको जो पहला पेयर दिया गया है वो दिया गया है 14 और 35, है ना। अब 14 के फैक्टर देखिए, 14 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 7 से और 14 इटसेल्फ, ठीक है। अब 35 की बात कर लीजिए, तो 35 1, 5, 7 और 35, ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। अब देखिए इसमें आपका एक कॉमन फैक्टर तो 1 आ गया, है ना, और दूसरा इसमें 7 मिल रहा है ना। तो ये आपके को प्राइम नंबर नहीं हुए, है ना, यानी कि ये पेयर आपका को प्राइम नहीं हुआ। अब चलिए सेकंड चेक करते हैं, 18 और 25, तो 18 के जो फैक्टर्स हुए 1, 2, 3, 6, 9, 18 इटसेल्फ। अब 25 के फैक्टर देख लीजिए, 1, 5 और 25 इटसेल्फ। तो बताइए इसमें 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है कॉमन, नहीं आ रहा, तो यानी कि ये पेयर आपका को प्राइम नंबर हो गया, है ना। अब चलिए यहाँ तो हमारा आंसर आ गया है, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करेंगे बाकी नंबर्स को भी, है ना। तो यहाँ पर अगला नंबर जो है आपका वो है आपका 31 और 93, ठीक है। तो देखिए 31 के फैक्टर देख लीजिए, 1 और 31 खुद, है ना, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब इसके फैक्टर देख लीजिए, 1, 3 और 31, तो देखिए इसमें 1 तो आपको फैक्टर मिला ही मिला, इसके साथ में आपको 31 भी कॉमन मिल रहा है, तो ये पेयर भी आपका को प्राइम नंबर्स नहीं हुए। फिर लास्ट 32 और 62, तो देखिए 32 के फैक्टर क्या हुए, 1, 2, 4, 8, 16 और 32 itself, और 62 के 1, 2, 31, तो देखिए इसमें फिर 2 कॉमन फैक्टर आ गए, है ना, तो ये पेयर भी आपका को प्राइम नंबर नहीं हुआ, 1, 2, 31 और 62 itself, है ना। तो अब इसमें देखिए 2 कॉमन फैक्टर आ गए, 1 और 2, तो ये भी पेयर आपका को प्राइम नंबर नहीं हुआ, है ना। तो आपका आंसर हो गया सेकंड। आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड है। आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4x = 0, है ना। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है सम ऑफ रूट्स होते हैं आपके -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं c/a, है ना। तो आपकी जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है 3x² - 4x = 0, ठीक है, हम थोड़ा 0 दूर लिख ले रहे हैं, और इसको कंपेयर कराइए ax² + bx + c से, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अगर सम ऑफ रूट पूछता, ठीक है, मान लीजिए अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स
ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, है ना, अगर सम ऑफ रूट्स पूछा होता। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू, तो वो बराबर होती है आपकी सी अपॉन ए के। और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, जीरो, अपॉन ए कुछ भी हो जीरो ही आंसर आना है आपका। तो जीरो अपॉन थ्री मतलब जीरो, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम तो आपकी थ्योरेटिकल बेस्ड है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर, तो आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना, इट्स करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही बात है ना, प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है, इट्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है, एंगल भी इक्वल होने चाहिए करेस्पॉन्डिंग। तो आंसर इसका क्या हो गया, थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपसे यहाँ पर पूछ रहा है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 इज, यानी कि आपको cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30 की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो देखिए इसके दो मेथड हैं, एक तो आप सीधे वैल्यूज रख के कर सकते हैं, दूसरा cos a cos b माइनस sin a sin b, जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a plus b का, है ना, तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर है आपकी cos 60, है ना, cos 30 माइनस sin 60 एंड sin 30। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, √3/4 माइनस √3/4, है ना, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आंसर आ गया आपका, जीरो, है ना। और दूसरा तरीका देखिए, आपको ये दिया था cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30, तो ये बराबर होता है आपका cos a प्लस बी के बराबर। ठीक है, मतलब कि cos a की जगह कितना, 60, और प्लस b की जगह कितना, 30। ठीक है, मतलब कि cos 90, ये बराबर हो गया आपका cos 90 डिग्री के, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, है ना। तो चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप वैसे करिए, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, जीरो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है, विच वन इज नॉट सेंट्रल टेंडेंसी, मीन सेंट्रल टेंडेंसी रखता है ना, मोड सेंट्रल टेंडेंसी है इसकी, मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन स्टैंडर्ड की नहीं है, है ना, तो आंसर आपका हो गया फोर्थ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स आर -8, 0 एंड 0, -8, तो ये आपके टू पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। और आपसे क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स विल बी, यानी कि आपको क्या करना है, ये जो दो पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि ये एक पॉइंट हो गया, सपोज एक पॉइंट आपका ये हो गया, आपने इन दोनों को मिला दिया, ठीक है, और इसका एक मिड पॉइंट यहाँ पर आपको हो गया, है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि सपोज ये आपका हो गया ए पॉइंट और ये हो गया सपोज बी पॉइंट, है ना, इसके कोऑर्डिनेट सपोज हो गए आपके -8, 0 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0, -8। ठीक है, और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट आपका निकलेगा x=x1+x2/2, और y कैसे निकलेगा, y आपका निकलेगा y1+y2/2, है ना, तो रख दीजिए वैल्यू यहां पर, तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, देखिए x1 ये हो गया आपका y1 हो गया ये, है ना, ये आपका x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया। तो देखिए x1 की जगह कितना है -8 और x2 की जगह
जीरो है ना अपॉन टू, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एट अपॉन टू, मतलब कि माइनस फोर। अच्छा अब यहाँ पर वाई वन प्लस वाई टू की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो वाई वन की वैल्यू कितनी है जीरो और माइनस एट अपॉन टू, तो ये भी कितनी आ जाएगी आपकी माइनस फोर, यानी कि ये जो मिड पॉइंट आया एक्स और वाई इसके आपके कोऑर्डिनेट क्या आ गए माइनस फोर कॉमा माइनस फोर। तो बताइए कोई आंसर है आपका इसमें? हाँ देखिए आंसर ये आपका माइनस फोर कॉमा फोर। आई थिंक आपको सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे, अगर आपको किसी भी पार्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।